नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 मेंबर्स यानी कि 15 सदस्यीय T20 स्क्वाड ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है, जहां इस T20 स्क्वाड में कई बदलाव देखने को मिले हैं। कई शानदार खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा कई सारे युवा खिलाड़ियों को पहली बार इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 मेंबर्स स्क्वाड दिखाने और बताने वाला हूँ। इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ काफी इम्पोर्टेंट और बड़ी टेस्ट सीरीज खेलनी है, और इसी वजह से बीसीसीआई ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज से रेस्ट यानी कि आराम दिया है, ताकि वो इन इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए अच्छी तैयारी कर सके। और इन प्रमुख खिलाड़ियों में नाम आता है ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का। तो वहीं प्रमुख खिलाड़ियों को रेस्ट देने की वजह से टीम में वापसी हुई है ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की, जो बेहद विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस T20 सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड में जगह मिली है। तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा और राइट आर्म फास्ट बॉलर हर्षित राणा की भी इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भी टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस T20 सीरीज के लिए किसी भी खिलाड़ी को वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान नहीं बनाया गया है, हालांकि टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मौजूद है। तो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 मेंबर्स स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 2 पर हैं अभिषेक शर्मा, नंबर 3 विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, नंबर 4 रिंकू सिंह, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 रियान पराग, नंबर 7 नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 8 शिवम दुबे, नंबर 9 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 10 रवि बिश्नोई, नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 12 विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, नंबर 13 अर्शदीप सिंह, नंबर 14 हर्षित राणा और नंबर 15 मयंक यादव। अब टीम इंडिया के इस T20 स्क्वाड से जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि यंग सेंसेशन और एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मयंक यादव को पहली बार भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मयंक यादव आपको बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भारत की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने आईपीएल 2024 में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। इसके अलावा शानदार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी इस T20 सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को पहली बार जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत के T20 स्क्वाड में जगह मिली थी, लेकिन तब वो इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण वो जिम्बाब्वे दौरे पर हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब यहाँ उनको शामिल कर लिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आईपीएल 2024 में गेंद और बल्ले से सभी को प्रभावित किया था। इसके अलावा राइट आर्म ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी 3 सालों के बाद टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके अलावा इस T20 टीम में ना ही यशस्वी जायसवाल हैं और ना ही शुभमन गिल, बल्कि सिर्फ एक ओपनर मौजूद है जो कि है अभिषेक शर्मा, दूसरा और कोई ओपनर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद टीम में ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किया गया है, जो कि बीसीसीआई की तरफ से काफी हैरान करने वाला फैसला रहा। हालांकि साल 2024 में T20 फॉर्मेट में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है,
पर इसके बावजूद उनको टी20 टीम में जगह नहीं मिली है। जबकि दूसरा जो हैरान करने वाला फैसला रहा वो ये था कि ईशान किशन को एक बार फिर से इस टी20 सीरीज के लिए भी इग्नोर किया गया है। हालांकि ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार वापसी करी है और वो लगातार रन्स भी बना रहे हैं। तो इस टी20 सीरीज के लिए ना ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिली है और ना ही ईशान किशन को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली इस टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ कौन ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन को दूसरे ओपनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 मेंबर्स टी20 स्क्वाड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको टीम इंडिया का ये टी20 स्क्वाड कितना ज्यादा स्ट्रांग या फिर कमजोर नजर आ रहा है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।